ये 10 रुपए की साबुन और ये 1400 रुपए की साबुन है, यकीन नहीं आता तो मैं अभी दिखाता हूँ। देखो फोन में ये रही साबुन, सेम साबुन है ये रही, और ये देखो स्टील की जो साबुन है ना ये 1415 रुपए की मिल रही है। अब इसे देख लेते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। ये देखो ऐसे इसका पैक आता है, ये यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिंपली ठंडा पानी इसके ऊपर चला देना और आपके हाथों से बदबू चली जाएगी सारी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ देखो ऑडर रिमूवर बार, तो यानी ये जो है ये साबुन जो है ना स्मेल हटा देती है सारी की सारी। किस किस चीज की हटाएगी, लहसुन की, प्याज की और मछली की, इन चीजों की जिसमें सबसे ज्यादा स्मेल आती है ना उनकी स्मेल हटाएगी। आज ये ट्राई करेंगे, देखते हैं ऐसा पॉसिबल होता है या नहीं होता। तो अंदर से अगर मैं बताऊँ आपको, देखो क्या निकलता है अंदर से अगर हम इसको खोल दे, तो ये रहा एक ये निकला है, सोप ट्रे हो गई और ये एक नॉर्मल सी पॉलिथीन में पैक होकर आती है स्टील की साबुन। ये देखो ये निकलता है इसके अंदर से। अब साबुन के डब्बे पे देखो यहाँ पे लिखा मेड इन चाइना। अब चाइनीज प्रोडक्ट का तो यार क्या ही भरोसा, तो आज टेस्ट करते हैं लाइव कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। तो एक यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल साबुन है जो हमें बाजार से मिल जाती है, डिटोल की साबुन है, इसको निकाल लेते हैं। ये रहा, तो एक डिटोल की साबुन यहाँ पे आ गई और एक स्टील की साबुन आ गई। अब लहसुन और प्याज को हाथों पे रगड़ते हैं अच्छे से और फिर देखते हैं स्मेल उनकी जाएगी या नहीं जाएगी। यहाँ पे दोनों चीजें हमारे पास आ गई, लहसुन भी आ गया और प्याज भी आ गई। इनको छील के कट कर लेते हैं फिर हाथों पे रगड़ते हैं। तो दोनों चीज छिल चुकी है, लहसुन इधर आ गया और प्याज हमारी इधर आ गई। तो देखो सबसे पहले मैं प्याज रगड़ रहा हूँ हाथ पे, पूरे हाथ पे से प्याज अच्छी तरीके से रगड़ देता हूँ। तो प्याज की बढ़िया स्मेल हाथों पे हो चुकी है। अब ट्राई करता हूँ सबसे पहले मैं डिटोल से हाथ धोके कि प्याज की स्मेल जाती है नहीं जाएगी। तो पानी डालो, बस बस अब देखते हैं स्मेल। यार स्मेल तो अभी भी काफी हद तक चली गई, तो प्याज की स्मेल तो इससे नॉर्मल जो डिटोल साबुन है इससे भी चली गई। अब लहसुन की बारी आती है, लहसुन को देख लेते हैं कि स्मेल जाती है जाती। बहुत तेज स्मेल आ रही है अब तो सच में, लहसुन की स्मेल प्याज से बहुत ज्यादा तेज होती है। अभी देखते हैं इस वाली साबुन से, अभी मैंने डिटॉल लगाई थी प्याज पे और लहसुन पे लगा रहा हूँ ये, और देखते हैं स्मेल कितनी कम होती है, क्योंकि अभी बहुत तेज स्मेल आ रही है सच में। अब देखो ये स्टील की साबुन है, एकदम स्टेनलेस स्टील है। ये देखो ये मेरा कड़ा भी स्टील का है, तो फुल स्टील है। अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं इतनी कितनी स्मेल कम हुई है। एक बार हाथ पूछ लूं, हाथ पहुंचने के बाद अब देखते हैं फाइनल टेस्ट कि स्टील की साबुन ने काम करा या नहीं करा। मानोगे नहीं, सच बता रहा हूं इसने 90% तक स्मेल को खत्म कर दिया। 90% इसमें कोई झाग नहीं उठा, कुछ नहीं उठा, इसने 90% स्मेल को खत्म कर चुकी है। मतलब मुझे पहले यकीन नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था वीडियो कैन में बोलूंगा कि इसने बिल्कुल काम नहीं करा, बट इसने सच में काम करा यहां पे। हाँ यार बिल्कुल स्मेल जा चुकी है, एक बार फिर से ट्राई करके देखो। तो दोबारा से मैंने लहसुन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हाथों पे रगड़ लिया खूब अच्छे से, हेरा दोबारा से वही जबरदस्त स्मेल आ गई एकदम से। अब देखते हैं डिटॉल का, डिटॉल क्या करता है, डालो पानी यार, बस बस बुझो। तो अब देखते हैं डिटॉल से कितनी स्मेल जाती है और स्टील से कितना फर्क है। अभी भी आ रही स्मेल, अभी भी हाथों पे स्मेल है। तो इसने स्टील ने इतना अच्छा काम करा कैसे, अब साइंस क्या कहती है, मतलब गूगल क्या कहता है, गूगल भी कहता है साइंस भी कहती है, दोनों का मिक्सचर से लगा लो। होता क्या है, इसके अंदर जो प्याज होता है, लहसुन होता है या मछली की स्मेल होती है, इसके अंदर होता है सल्फर, सल्फर की स्मेल आती है। अब क्या करता है ये मेटल, मेटल क्या करता है, जो सल्फर हमारे हाथों पे चिपक जाता है ना इसकी स्मेल आती है सल्फर की, वो सल्फर मेटल पे ज्यादा चिपकता है, यानी हमारे हाथों से ट्रांसफर होकर स्टील पे चला जाता है और वो स्मेल हमारे से दूर हो जाती है। तो ऐसे काम करती है स्टील की साबुन, तो ये सच में काम करती है। और जो मैं 1400 का रेट बता रहा हूं वो 1400 का भी है, 350 भी है, आपका मन करे तो 1400 वाले से खरीद लो, मैंने तो 350 वाले से खरीदा है।